अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मंगला, तुम अटल से जाके बात करो ना, तब से गुमसुम सा बैठा हुआ। अभी इस समय उससे कोई बात कर सकता है तो वो है माँ, वही उससे बात कर सकती है। विमला, ये किताब मुझे दो। दो तुम ये खीर खाओ। अटल, जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौसम बदलते भी है, बिगड़ते भी है, उसकी वजह से ऐसे परेशान होके बैठ थोड़ी जाता है कोई। नए मौसम का इंतजार करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। नया झूला, नई किताबें, सब कुछ आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो बहुरी, अब बहुत हो गया, अब पानी जो है उस सर के ऊपर से गुजर गया है। हमको कोनो भी हालत में ना ये पोता पोती का मुंह देखना, हमको कोनो स्कूज नहीं सुनना है। अब हम का बोले अम्मा जी? तुम कछु मत बोलो बहुरिया, तुम बस एक्शन करो। हमका किसी भी हाल में पोता पोती का मुंह देखना है। देखो, जब तक हम पोता पोती का मुंह नहीं देख लेंगे ना, हम ये घर से जाने वाले नहीं है। चाहे पंडित रामफली हमको काहे ना बुलाए हो। तो खुशी का बात है कि आप हमारे पास रहेंगी। अरे लेकिन हमारे लिए खुशी की बात नहीं है ना बहुरिया, हमारे लिए तो खुशी का बात वो होगा जब तुम हमका पोता पोती दोगी। अंगूरी जी आई। आई अनीता जी, आई बैठिए। थैंक यू। अरे वाह, आंटी जी भी यही है। अरे गोरी बिटिया, हमको आए तो 50 साल हो गया है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे वो मेहमान कब आएंगे हैं? मेरे यहाँ कौन सा मेहमान आएगा आंटी जी? लो वही मेहमान जो तुमको मम्मी मम्मी बोल के बुलाएगा है। अच्छा वो मेहमान? नहीं आंटी जी, उसके अभी दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। काहे? अरे तुम्हारे में कोनो प्रॉब्लम है? क्यों नल्ले में कमी है? हैं? नहीं 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 आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अत फिर कैसी बात है? काहे तुम्हारे आंगन में लल्ला लल्ली का किलकारी नहीं गूंजेगा? हाँ बताओ हमको। देखो ये उम्र में तो चाचा टू बच्चे हो जाते हैं हमारे यहाँ। हाँ तुम भी कहा करोगे, चाहे तुम्हारा आंगन हो चाहे हमारी बहुरिया का आंगन, यहाँ तो दूर दूर तक पोता पोती का कोनो आसरा नजर नहीं आ रहा है। अनीता जी, आप अम्मा जी की बातों का बुरा ना ही मानिएगा, वो का है पोता पोती बच्चों के मामले में वो मोटरसाइकिल हो जाते हैं। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़ेगा। अंगूरी जी, आंटी जी का इमोशनल होना अपनी जगह पूरी तरह सही है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी कहाँ गलत हूँ। विभो अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, एक बच्चे की जिम्मेदारी कहाँ उठाएगा? देखो गोरी बिटिया, एक बार खेत में हल चला देते हैं ना, तब बादल भी इमोशनल होकर के बारिश कर ही देते हैं। हाँ एक बार लल्ला लल्ली आ जाए तब वो नल्ला खुदे ही जिम्मेदारी उठा लेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, विभू की हरकतें भी ना एकदम बच्चों जैसी है। अब देखिए ना,
सुबह से गायब है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। आपको पता है क्या अंगूरी जी? हमको कैसे पता होगा, यहाँ लड्डू के भैया गायब है, पता नहीं कहाँ गए हैं। एक्चुअली वो दोनों साथ में ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तो जाओ ना, जा करके ढूंढो और उन लोग को बोलो कि तुम लोग को ताबड़तोड़ माँ बनना है। ताबड़तोड़ Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब मेरे दिल में मेरी रूह में आपके लिए कभी कोई एहसास आया ही नहीं, कभी मुझे आपसे प्यार हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसा सब कुछ कैसे हो सकता है? तेजी भाभी, आपको तो याद है ना, आप ही ने मुझसे कहा था कि जीते और यही तेरी हीर है और तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना और पूरी तरह से संभालनी होंगी और फिर धीरे धीरे हीर जी के अंदर तेरे लिए फीलिंग्स दोबारा से आ जाएंगी। और लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग्स आई नहीं, मैं क्या करूं, क्योंकि ये हीर जी थी नहीं। और मम्मी जी, तुसी आप और मैं तो इसी उलझन में थे ना कि हीर जी है या नहीं। आपको भी ऐसा लगता था इनमें कुछ अलग है, लगता था कि नहीं? हाँ, तो फिर जब सबको यही लगता था तो फिर मैं आपको हीर जी कैसे मान लेता? मैं तेरी किसी भी बात को झुठला नहीं रही हूँ, लेकिन इस बात से तू भी इनकार नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे लम्हे थे जब तू भी कंफ्यूज्ड था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तूने मेरे हैंड पे किस किया था। शादी वाली अंगूठी चेक करने के लिए जो कि हीर जी के कमरे में थी जब ये यशिका बनके उस किराए वाले घर में रह रही थी। और उस रात का क्या जब तू मेरे कमरे में मुझसे माफी मांगने आया था? हाँ, तो माफी मांगने आया था तो रोमांस आज की लड़ाने नहीं। जीते प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही, उस रात हम दोनों की बहुत हो गई तेरी बकवास, बहुत देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ। क्या लगा था तुझे कि साडा जीता पोला पाला है तो तेरी बातों में आ जाएगा? उसकी माँ अभी तक जिंदा है और मेरे होते हुए कोई भी मेरे बच्चे के पोलेपन और शराफत का फायदा नहीं उठा सकता, समझी? तो मुझे अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है, इसके संस्कार इतने अच्छे हैं कि ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तुझे क्या लगा था कि मेरे बच्चे के पोलेपन और शराफत का नजायज फायदा उठा लेगी तू? उसकी माँ हले तक जिंदा है और मेरे होते हुए तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सुन लिया? चल निकल। मम्मी जी, चल बाहर। चीते कर बाहर, झूठ नहीं बोल रही, बाहर चल। आप यहाँ? तू ठीक तो है ना बेटा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? आवाज थल्ले, ये अटवाल हाउस है। मॉम प्लीज, ये चीते की मम्मी है, प्लीज इनसे सोच समझ के बात कीजिए प्लीज। हाँ जी, माँ हूँ मैं चीते की और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़की मेरे पुत्र के ऊपर इतने घिनौने इल्जाम लगाए। और कोई लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके मुकर जाए ना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शर्म नहीं आई आपके बेटे को? और तुम मॉम, और तुम शादीशुदा होकर भी ऐसे हरकत करी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।